भविष्य निधि यानी पीएफ के पैसे को लोग अपने बुढ़ापे का सहारा मानते हैं। घर बनाना हो या फिर बेटी की शादी करनी हो, जीवन भर की इसी कमाई पर सालों से लोग भरोसा जताते आए हैं। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक कोरोना महामारी के शुरुआती 3 महीने में तकरीबन 80 लाख लोगों ने पीएफ में जमा पैसा निकालकर महीनों तक गुजारा किया जब लोगों की नौकरी चली गई। वैसे पीएफ में जमा राशि निकालने के नियम कड़े हैं, लेकिन महामारी की वजह से आर्थिक संकट से राहत देने के लिए सरकार ने सबसे पहले जिन कदमों का ऐलान किया था, उनमें से एक बड़ा कदम पीएफ से पैसा निकालने की सुविधा देना भी था। लेकिन आपकी कमाई के इस हिस्से पर भी केंद्र सरकार की नजर है। बजट 2021 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ऐलान किया है कि जो भी कर्मचारी भविष्य निधि यानी पीएफ में किसी वित्तीय वर्ष में 2,50,000 रुपए से ज्यादा का योगदान देता है, उन्हें उसके ब्याज पर टैक्स देना होगा। ये लोग पीएफ से मिलने वाले ब्याज पर टैक्स छूट का दावा नहीं कर पाएंगे। ये टैक्स कर्मचारी के योगदान पर ही लगेगा। ये नया प्रावधान 1 अप्रैल 2021 से लागू होगा। जाहिर है ये ऐसा प्रावधान है जो देश के हर कर्मचारी वर्ग को प्रभावित करता है। आसान भाषा में आपको समझाने के लिए बीबीसी ने बात की टैक्स एक्सपर्ट गौरी चड्ढा से। अब आपको सुनाएंगे उनसे सवाल जवाब के अंश, ताकि आपके सारे सवालों का जवाब मिल जाए। पहला सवाल, पीएफ के ब्याज पर टैक्स की बात से सैलरी क्लास को कितनी चिंता होनी चाहिए? वो जवाब में कहती हैं कि अभी तक पीएफ में जो भी योगदान होता था वो 1,50,000 तक इनकम टैक्स के 80C के छूट के दायरे में आ जाता था। साथ ही पीएफ पर मिलने वाला ब्याज भी टैक्स के दायरे से बाहर था। लेकिन 1 अप्रैल 2021 से इनमें थोड़ा बदलाव आएगा। कर्मचारी का पीएफ में योगदान 1,50,000 तक है तो इनकम टैक्स में 80C में उस पर छूट तो मिलेगी, लेकिन कर्मचारी का योगदान पीएफ में 2,50,000 से ऊपर है तो उसके ब्याज पर अब टैक्स चुकाना पड़ेगा। दरअसल पीएफ का एक हिस्सा कंपनी देती है जिसमें आप काम करते हैं, और एक हिस्सा कर्मचारी देता है। नए प्रावधान वाला टैक्स केवल कर्मचारी के योगदान पर ही लगेगा। दूसरा सवाल, अगर कर्मचारी का पीएफ में सालाना योगदान 3 लाख है तो? ऐसे में 2,50,000 तक के कर्मचारी के पीएफ योगदान पर कोई टैक्स नहीं लगेगा, बाकी बचे 50,000 के योगदान पर ही टैक्स लगेगा। मान लीजिए कि पीएफ पर ब्याज दर 8.5% है तो बाकी बचे 50,000 के योगदान पर कर्मचारी को 4,250 रुपए मिले। अब अगर कर्मचारी 30% वाले टैक्स स्लैब में आता है तो कर्मचारी को 1,275 रुपए टैक्स के तौर पर देने पड़ेंगे। इस पर 4% का स्वास्थ्य और शिक्षा सेस जोड़ दिया जाएगा तो ये टैक्स बैठेगा 1,326 रुपए। यानी अगर सालाना कर्मचारी 3 लाख रुपए पीएफ में जमा करता है तो उसे टैक्स के रूप में अब 1,326 रुपए देने होंगे, जो अब से पहले नहीं लगता था। एक अहम सवाल कि टैक्स कितना कटेगा? ये टैक्स उतना ही कटेगा जिस टैक्स स्लैब में कर्मचारी की सैलरी है। यानी कर्मचारी की सैलरी अगर 30% वाले टैक्स स्लैब में है तो पीएफ योगदान 2.5 लाख रुपए से ऊपर के ब्याज पर 30% ही कटेगा। जिन लोगों की सैलरी ज्यादा है, इस घोषणा का असर उन पर ही ज्यादा पड़ेगा। कम सैलरी वालों की पीएफ कंट्रीब्यूशन 2,50,000 होती भी नहीं है। एक मोटा हिसाब लगाएं तो जिन कर्मचारियों का पीएफ में मासिक योगदान 20,833 रुपए तक है, उनको इस नए प्रावधान से चिंतित होने की जरूरत नहीं है। तो क्या वॉलंटियर प्रोविडेंट फंड यानी वीपीएफ के योगदान पर भी इसका असर पड़ेगा? बिल्कुल, इस नए प्रावधान का असर वॉलंटियर प्रोविडेंट फंड पर भी पड़ेगा। अगर पीएफ में कर्मचारी का योगदान मासिक 11,000 रुपए है और वॉलंटियर प्रोविडेंट फंड में भी योगदान 11,000 रुपए है, तो कुल मिलाकर कर्मचारी का पीएफ और वीपीएफ मिलाकर योगदान 22,000 रुपए मासिक हो गया। इसका मतलब सालाना 2,50,000 से ज्यादा का योगदान हुआ। 2,50,000 के ऊपर के अतिरिक्त योगदान के ब्याज पर कर्मचारी को टैक्स चुकाना पड़ेगा। दरअसल ये नया प्रावधान इसी वॉलंटियर प्रोविडेंट फंड के तहत पैसा बचाने वालों के लिए किया गया है। बहुत कर्मचारी इस वीपीएफ की वजह से इस 2,50,000 के दायरे में आ सकते हैं। केवल सैलरी पर कटने वाले पीएफ की वजह से कम लोग ही इस प्रावधान के दायरे में आएंगे। तो क्या वॉलंटियर प्रोविडेंट फंड में पैसा जमा करना फायदे का सौदा नहीं रहा? इसका सीधा जवाब नहीं हो सकता। ये इस बात पर निर्भर करता है कि आप किस उम्र के इंसान हैं और आप वीपीएफ में कितना योगदान करते हैं। ये इस बात पर भी निर्भर करता है कि बचत के बाकी पैसे आपने कहां कहां लगा रखे हैं और आपका फाइनेंशियल पोर्टफोलियो कैसा है। आम तौर पर जानकार बचत के लिए एक फॉर्मूला बताते हैं। आप अपनी उम्र को 100 से घटा दें, जो भी अंक आए उतना पैसा आपको बचत खाते में डालना चाहिए। इनमें से 60% इक्विटी फंड में लगाएं और 40% डेट फंड में।
इक्विटी फंड का मतलब शेयर मार्केट और म्यूचुअल फंड से है, और डेट फंड का मतलब पीएफ, वीपीएफ, एनपीएस, टैक्स फ्री बॉन्ड, एफडी से है। लेकिन सरकार ने ऐसा कदम क्यों उठाया? सरकार की दलील है कि इस कदम से बचत के अलग अलग तरीकों में एकरूपता लाने की कोशिश की गई है। जिन कर्मचारियों को ज्यादा सैलरी मिलती है और एक बड़ा हिस्सा पीएफ में इन्वेस्ट करके ब्याज के पैसों को टैक्स फ्री करवा लेते थे, सरकार उन पर शिकंजा कसना चाहती है। पीएफ के बजाय आप किसी और जगह उसी पैसे को लगाते हैं, जैसे फिक्स डिपॉजिट या फिर म्यूचुअल फंड, तो उसमें भी ब्याज पर टैक्स देना पड़ता था।